नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रत्तेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लसीबो पे, इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। मैं अपने बारे में हर वीडियो से पहले बताती हूँ बेटा, तो थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। मैं पिछले 9 सालों से एम्स के लिए, जिपमर के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों की हेल्प करती हुई आ रही हूँ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में मैंने पढ़ाया है। एक एम रहा है मेरी लाइफ का, जब मैं तुम्हारी एज में थी, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब हर कोई हमें प्रेशराइज़ करता है, एवरीबडी इज़ प्रेशराइजिंग अस। रिश्तेदार फ़ोन करके पूछते हैं क्या हुआ, बच्चा कैसा कर रहा है, पेरेंट्स इतना इमोशनली हम पे प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारी स्टडीज़ में, एंड देन when we are not able to get results, we get very, very frustrated. And we invest in big coaching centers and somehow we don't get good teachers even over there, और फिर result नहीं आता है, तो हमें बहुत guilty feel होता है। मैं चाहती हूँ तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही simple, बहुत ही आसान शब्दों में तुम्हें पढ़ाया जाए और बहुत ही कम पैसा invest करके तुम्हें result मिले, ठीक है? या पैसा नहीं भी इन्वेस्ट करके, अगर तुम लोग के पास पैसा अफोर्ड, मतलब आप तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो। सो मैं यहाँ पे इस चैनल पे तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगी और मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी बेटा कि तुम्हें और कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ मेरे लेक्चर सुनने पड़े, उसी में मैं तुम्हें पिछला वाला रिवाइज करा दूंगी। हल्का सा तुम्हें एनसीईआरटी खोल के एक बार वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो मैंने बता दी, और जो ये नोट्स मैं बनवाती हूँ वो तुम्हें कॉपी करने पड़ेंगे, ठीक है? उनको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम ये सब करते हो, तुम किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओगे, किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओगे बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है? नीट में 360 मार्क्स की बायो आती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें, तुम 360 के आसपास स्कोर करोगे अगर तुम कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देखोगे तो, ठीक है? मैं तुम्हें इतना क्लियर बना दूंगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी टीचर्स 2-2 लाख रुपए लेते हैं पढ़ाने के लिए, तुम्हें ये सिलेबस पूरा कराने के लिए, मैं चाहती हूँ कि उनकी मार्केट बंद हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मतलब ये सोचो कि बायो की कोचिंग कौन लेता है भाई, बायो तो बहुत ही सिंपल है, ओके? एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू आर गिविंग मी ऑन माई वीडियोज। आई वॉन्ट यू टू कमेंट सो दैट आई नो हाउ टू इम्प्रूव। जो भी चीज़ तुम्हें लगती है कि इम्प्रूव हो सकती है, मैम हम थोड़ा ईजिली और ज़्यादा ऐसे पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ टेल मी, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, ओके? एक तो ये बात होगी बेटा, यहाँ पे मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूंगी, तुम लोग सब्सक्राइब करो और बच्चों को दो जो हेल्प, जिनको हेल्प चाहिए अभी, जो परेशान हो रहे हैं, ताकि वो भी ईजिली पढ़ सकें। दूसरी बात है बेटा, हमारा अनअकैडमी का प्लस कोर्स है, ठीक है? वो एक पेड कोर्स है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही कम फीस पे हम आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्स दे पाएंगे पूरा का पूरा। मतलब कि जैसे यहाँ पे भी, इस चैनल पे भी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ोगे तुम लोग, है ना? पर जैसे फ्यू टीचर्स, जैसे 2-3 टीचर्स तुम्हें बायो पढ़ाएंगे, 2-3 केमिस्ट्री, इस तरीके से। अनअकैडमी प्लस पे बेटा बहुत बड़ा पैनल है टीचर्स का, और हर कोई अपने कोर्सेज देगा, और आप जिस भी टाइम जाओ, अगर आप क्लास मिस कर देते हो तो कोई बात नहीं, आप उनकी क्लास रिकॉर्डेड देख सकते हो। प्लस आपको टेस्ट्स मिलेंगे बेटा वहाँ पे, आपको क्विजेज मिलेंगे, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे। जैसे मान लो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जाओगे, आप मेरी क्लासेस लोगे, मैं ही आपका क्लासेस के बीच में डाउट सेशन भी लूँगी, और फिर मैं आपको क्विजेज दूंगी, फिर मैं आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर पाऊंगी बेटा, ठीक है? सो मुझे पता चलता रहेगा तुम किस लेवल पे हो, क्या चल रहा है, ठीक है? और अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं तुमसे पर्सनली बात करके तुम्हें पूछूंगी कि बेटा क्या बात है, समझ रहे हो? सो आई विल बी एबल टू गाइड यू, मोटिवेट यू, हेल्प यू एंड गिव यू पर्सनल अटेंशन ओवर देयर, ठीक है? बहुत ही कम फीस रखी है हमने वहाँ की। एक सब्जेक्ट में से जितना, एक सब्जेक्ट में एक ट्यूशन टीचर के पास तुम फीस देते हो, तुम्हें सारे सब्जेक्ट 17+ हमारे पास टीचर्स हैं वहाँ पे, वो टीचर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उन सब का कोर्स मिला के अगर तुम 12 महीने की मेंबरशिप लेते हो तो सिर्फ तुम्हें 25,000 में पड़ती है, ठीक है? सिर्फ 25,000 में पड़ती है। और अगर तुम एक कोड यूज़ करते हो बेटा, ऋतु लाइव, अगर तुम ये कोड यूज करते हो ऋतु लाइव, तो तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा। तो 25,000 का जो तुम्हारा कोर्स है बेटा, वो सिर्फ तुम्हें
22,500 में मिलेगा। हर रोज 30 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस होंगी, तुम समझ रहे हो, 30 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस तुम्हें 60 रुपीज से भी कम में मिल रही है, और तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तुम्हारी फीस इतनी कम है, और मेरे जैसे, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स तुम्हें पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे वहाँ पे। ओके, आई होप यू विल कम एंड ज्वाइन देयर। इफ़ यू आर नॉट एबल टू, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत करने वालों का, मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। अगर तुम लोग यहाँ पे भी सीरियसली मेहनत से पढ़ोगे, कोई बात नहीं, नहीं अफोर्ड कर रहे, नहीं कोई बात नहीं, पर यहाँ पे भी अगर सीरियसली पढ़ोगे, वीडियोस नहीं मिस करोगे, ध्यान से करोगे, डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, अगर मैं क्लियर कर पाई तो ज़रूर वहाँ से करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे भी मेहनत से पढ़ोगे, यहाँ पे भी हो जाएगा, मेहनत इज़ दी ओनली थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुम्हें अपनी टीम के बारे में बताना चाहती हूँ बेटा, ये हमारी टीम है, ठीक है, ऐसे और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग आप लोगों को पर्सनलाइज्ड अटेंशन देके वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक और बात, अब से YouTube पे मैं 4 to 5 डेली अपने लाइव क्लासेस लिया करूँगी। 4 to 5 मेरा लेक्चर होगा ही होगा, तो अलार्म सेट कर लो, रिमाइंडर लगा लो बेटा, 4 to 5 तुम्हें यहाँ पे प्रेजेंट होना है, ताकि तुम साथ साथ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम साथ साथ मुझसे बात कर सको, अगर कोई डाउट है तो तुम क्लियर कर सको, तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछ सको, इंटरेक्ट कर सको। इंटरेक्टिव क्लास हमेशा ही बेटर होती है ना बेटा रिकॉर्डेड क्लास से, ठीक है। 4 to 5 तुम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, सही। ये हो गया अपनी इंट्रोडक्शन की बात, अब आप टॉपिक पे आते हैं। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे पिछली बार, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई थी, स्टमक की बात हो गई थी, लिवर का स्ट्रक्चर तुमने कर लिया था लेकिन फंक्शन नहीं हुआ था, तो आज हम लिवर का फंक्शन करेंगे, प्लस हम पैंक्रियाज की बात करेंगे। लिवर और पैंक्रियाज आज के चैप्टर में हमको खत्म करना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में, कि किसी भी एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। करने से पहले हमें पहले दो टर्म्स में समझाना चाहती हूँ, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। डायरेक्टली इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, एंडोक्राइन वाले सिस्टम में भी तुम पढ़ोगे, अभी समझ लोगे तो बेटर है। हमारी बॉडी बहुत सारी सीक्रीशंस करती है, स्वेट रिलीज करती है, सलाइवा रिलीज करती है, देन ऑयल इज देयर, देन ईयर वैक्स इज देयर, मिल्क इज देयर, सो देयर आर हॉर्मोन्स आर देयर, एंजाइम्स आर देयर, सो अवर बॉडी इज सिक्रीटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ देर आर टू वेज ऑफ सिक्रीटिंग थिंग्स, दो तरीके हैं चीज़ों को सिक्रीट करने के, एक एक्सोक्राइन तरीका है, एक एंडोक्राइन तरीका है, ठीक है। एक्सोक्राइन तरीका पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, आर्टरी आई, अब ये बात तुमको पता है कहाँ घुसेगी, ये ऑर्गन में घुसेगी, क्योंकि यही ऑर्गन को जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह देना है, आर्टरी का ही ब्लड देगा। इट ब्रेक्स डाउन इनटू क्या, जल्दी बोलो कैपिलरीज, यहां पे टिश्यू प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट है, यहां से लिक्विड निकलेगा, प्लाज्मा निकलेगा, प्लाज्मा तो नहीं कहूंगी बट प्लाज्मा से ही लिक्विड निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ग्लूकोज निकलेगा, ये सेल में चले जाएंगे, सेल में चले जाएंगे, सेल यहां से CO2 रिलीज करेगा, वो इस लिक्विड के साथ वापस कैपिलरी में चला जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड, CO2 इज बीइंग पुट इन द ब्लड, ठीक है। तो मैं यहां से ये ब्लू में बना लूं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, दिस इज अ वेन, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कलेक्ट करके लेके जा रही है वो वेन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आ रही है आर्टरी है, एंड द वेरी थिन ट्यूब्स जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, दैट इज कैपिलरी, वेरी क्लियर। नाउ दीज सेल्स, अगर ये कोई किसी ग्लैंड के सेल हैं, अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल हैं, दे विल सिक्रीट समथिंग इन दिस फ्लूइड लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। जैसे बच्चा होता है ना, जहां पे बैठा होता है वहीं पे सूसू पॉटी करता रहता है, उसको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं, मैं तो बस सब यहीं कर दूंगा, ऐसे होता है ना, वैसे ये सेल्स होते हैं, वेयर एवर दे आर सिटिंग दे विल रिलीज देयर सिक्रीशंस देयर, ओके, एंड देन
दीज सिक्रीशंस, जब ये फ्लूइड वापस जाएगा तो ये सिक्रीशन फ्लूइड के साथ ब्लड में चली जाएंगी. सो दिस वेन विल कंटेन दीज सिक्रीशंस. दैट मीन्स दीज सेल्स आर सिक्रीटिंग वट एवर दे आर सिक्रीटिंग इन द ब्लड, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और अल्टीमेटली वो ब्लड में जा रहा है. अच्छा, ये वाला फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला है मैंने, ये जो समझ रहे हो ना, से ये वाला जो कैपिलरी से बाहर निकलता है फ्लूइड, इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है ये कलर, रुक जाओ कोई और कलर देखते हैं. इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पहले बाहर निकलता है, फिर जब ये अंदर जाता है तो ये हॉर्मोन्स को अपने साथ लेके जा रहा है. सो नाउ हॉर्मोन्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके से हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं बेटा. सो इन माई बॉडी इफ देयर आर सेल्स विच आर, जो जहाँ पे बैठे मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं नहीं कहीं पर भी कुछ भी करूँगा, एंड दे आर सिंपली रिलीजिंग देयर थिंग्स अराउंड देम विच इज गोइंग इन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड नाउ दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज गोइंग इन टू ब्लड. Such secretions are called endocrine secretions. Endocrine secretions. बहुत अच्छा example है endocrine secretion का बेटा, hormones. जितने भी तुम्हारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं सब के सब इस तरीके से ब्लड में रिलीज होते हैं. आई होप आई एम वेरी क्लियर. अब हॉर्मोन्स जहां से रिलीज हो रहे हैं दे विल वर्क फार अवे, दैट इज वाई दे आर रिलीज इन ब्लड, बिकॉज ब्लड विल टेक देम एंड विल गो अलोंग विद देम, मतलब कि वो चीज़ ब्लड के साथ जाके कहीं कहीं और एक्ट करेगी. मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमारे ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उसका सिक्रीशन बहुत जगह एक्ट करता है, बट वन ऑफ द प्लेसेस वेयर द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी एक्ट इज ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स. सो ओवरी और टेस्टिस तक उसका सिक्रीशन कैसे पहुंचेगा, मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन ब्लड. सो हॉर्मोन्स जनरली आर रिलीज एट सम प्लेस एंड देन दे विल गो इन ब्लड एंड देन दे विल मूव टू दैट फर्दर प्लेस एंड देन दे एक्ट देयर. ओके, डू यू गेट दैट? एंडोक्राइन सिक्रीशन ऐसे होती है. एक्सोक्राइन सिक्रीशन कैसे होती है अभी बताती हूँ. देखो, एक ऑर्गन कराया था मैंने तुम्हें, स्टमक कराया था. मैंने कहा था स्टमक की वॉल होती है, फिर उसमें गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं और फिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे बने होते हैं. इसको थोड़ा इनलार्ज्ड बना लेते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज्ड बना लेते हैं, ठीक है. नाउ द सेल्स विच आर प्रेजेंट हियर, मान लो ये सेल्स हैं, वर दे सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशंस इन ब्लड? नो, दे वर पुटिंग देम एट सम प्लेस, मान लो दिस इज द हार्मोनल सिक्रीशन एंड दे आर पुटिंग देयर सिक्रीशंस हियर एंड देन These secretions through this area, यही चीज़ मैं थोड़ा enlarge करके बना लेती हूँ बेटा, मेरे को थोड़ा सा बड़ा व्यू चाहिए. यही चीज़ बनाइए, सेम चीज़ बनाइए. There are secretions here, and these secretions are going up. नीचे से निकल रही है तो ऊपर जाएंगी. अब वो एक portion में से निकल रही है, ये वाला portion, जो कि secretion नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक passage दे रहा है ना. इस passage को मैं बोलती हूँ duct. तो डक्ट के थ्रू ये निकल के बेटा किसी सरफेस पे जा रही है सिक्रीशंस. दे आर नॉट गोइंग ऑन ब्लड बट दे आर गोइंग ऑन एनी सरफेस. दैट सरफेस कैन बी द इनसाइड सरफेस ऑफ स्टमक. दैट सरफेस इज, मैं स्वेटिंग कर रही हूं ना, मेरे को पसीना आ रहा है ना, मेरे स्किन पे, स्किन के सरफेस पे स्वेट रिलीज हो रहा है ऐसे ही ग्लैंड से. ऑयल की सिक्रीशंस, मिल्क की सिक्रीशन, सबकी सिक्रीशन ऐसे होती है. नाउ एक्सोक्राइन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? द सिक्रीशंस हैपन सिक्रीशंस कम ऑन
अ सरफेस. दे डोंट गो इन ब्लड. इन एंडोक्राइन द सिक्रीशंस वर गोइंग इन ब्लड एंड दे डिड नॉट हैव एनी डक्ट. तभी एंडोक्राइन को मैं डक्टलेस ग्लैंड बोलती हूं. देर इज नो डक्ट एंड इट इज सिंपली गोइंग इन टू ब्लड. एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट के साथ बोलते हैं बिकॉज देर इज अ डक्ट विच इज टेकिंग द सिक्रीशन टू अ सर्फेस. वो सिक्रीशन जो वो सर्फेस बॉडी के ऑर्गन का अंदर का सर्फेस भी हो सकता है, वो स्किन का सर्फेस भी हो सकता है, कोई भी सर्फेस हो सकता है. आई होप आई एम वेरी क्लियर. डन. अब मेन बात पे आ जाओ चैप्टर के. ये एक स्टार्टिंग का पार्ट था. नाउ लिवर के फंक्शन शुरू करते हैं. वो जानना बहुत जरूरी था लिवर के फंक्शन जानने के लिए. अगर तुम्हें याद हो पिछली बार मैंने लिवर की ब्लड सप्लाई कैसे बनाई थी, बताओ. यू रिमेंबर आई सेड सपोज दिस इज योर हार्ट. दिस पार्ट लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट विल कंटेन डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अल्टीमेटली इट विल टेक डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, बताओ जल्दी से, लंग्स. लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा. ऑक्सीजनेट होके कहां पे आएगा, एट्रिया में, यहां से वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से अल्टीमेटली एओर्टा में. ये मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में डायग्राम बनाती हूं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई मेक इट. ओके, नाउ आई सेड एओर्टा की बड़ी सारी ब्रांचेस हो जाएंगी. इट विल गिव ब्लड टू वेरियस पार्ट्स. वन ऑफ द ब्रांचेस विल गो टू लिवर. लिवर में जो ब्रांच गएगी उसका नाम क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो. लिवर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ब्रांच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी. आई होप यू रिमेंबर इट. देन एक ब्रांच लेके जाएगी यहां पे, ध्यान से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होंगी. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम इट विल गिव ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑल्सो इट विल कलेक्ट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. डाइजेस्टेड प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया और इसका ब्लड फिर यहां पे डायरेक्टली वेना कावा में ना जाके इसमें चला गया. जनरली क्या होता है, ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होके वेना कावा में जाता है ना. अभी वेना कावा में नहीं गया, ये लिवर में चला गया. एंड देन अल्टीमेटली इन दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है. यहां से एक वेन निकलती है जो कि अल्टीमेटली वेना कावा में मिल जाती है ऐसे जाके. इसको बोलते हैं हिपैटिक वेन. एक मिनट बेटा पानी पी लूं मैं, फिर आगे काम करते हैं. ये वाली बात याद है सर्कुलेशन वाली बात. अब इससे लिवर के फंक्शंस बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं. लिवर की मैंने फंक्शनल यूनिट बनाई थी, जल्दी बताओ क्या बोला था, जल्दी बोलो. हिपैटिक लोब्यूल बोला था. हिपैटिक लोब्यूल में ये दोनों ब्लड आता है, इधर वाला ब्लड भी आता है, इधर वाला ब्लड भी आता है. सो हिपैटिक लोब्यूल्स में जो सेल्स हैं लिवर के, हिपैटोसाइट्स, दे आर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्सो सो दैट दे कैन गेट ऑक्सीजन एंड दे आर गेटिंग दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट रिच इन ग्लूकोज एंड अदर थिंग्स. सो दैट फायदा क्या था, ग्लूकोज लेके जाना लिवर में, डायरेक्टली वेना कावा में नहीं गया ना ये, बिकॉज लिवर हैज द कैपेसिटी टू टेक आउट एक्सेस ग्लूकोज एंड स्टोर इट. हम नहीं चाहते कि खाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए. ओके, सो व्हाट हैपेंस, पहला फंक्शन लिवर का है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट समझते हो तुम, फूड का एक कंपोनेंट है. कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. सो व्हेन एक्सेस ग्लूकोज इज देयर, योर आपने खाना खाया, एक्सेस ग्लूकोज इज देयर, लिवर सेल्स विल स्टोर दैट एक्सेस ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इट इनटू अ चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
कॉल्ड ग्लाइकोजन. पहला बात, ग्लूकोज को लेती है ये और यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन बना देती है, लंबी चेन. ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है बट इट्स अ कार्टून. दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. सो ग्लूकोज गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर इन हिपेटोसाइट्स. पहला फंक्शन समझ में आ गया. ऐसा ये करती क्यों है? तुम्हें याद होगा बेटा, स्टमक के साथ साथ एक ऑर्गन है पैंक्रियाज. ये बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो भी मैं बात कहती हूं ना उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज अवर बॉडी इज लाइक अ स्टोरी. इफ यू डू नॉट हियर वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, आपको अगला पार्ट नहीं समझ में आएगा. इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा जी. पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम तो रिलीज करता ही है. ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है तो डाइजेस्टिव एंजाइम तो रिलीज करेगा, वो कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है. अभी तुमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा नहीं है, सिर्फ यही पढ़ा है कि वो एंडोक्राइन तरीके से रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं. बट हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है, तो पैंक्रियाज एंजाइम्स भी रिलीज करता है, प्लस ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है. देखो सुनने में लगता है इनमें क्या फर्क होगा, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है. एंजाइम हमेशा, अभी इस केस में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, फूड के कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, है ना, और वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. सो उनका जो सबस्ट्रेट है एक्ट करने का अभी इस सिनेरियो में, वो फूड है. हॉर्मोन कभी भी फूड के ऊपर एक्ट नहीं करते. ठीक है, हॉर्मोन्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं वो तुम आगे सीखोगे. जैसे अभी एक हॉर्मोन बताती हूँ, पैंक्रियाज से एक हॉर्मोन निकलता है इंसुलिन. अभी पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर करेंगे ना तब मैं बताती हूँ. पैंक्रियाज से एक हॉर्मोन निकलता है, अभी ध्यान से सुनो तब आगे पढ़ के ईजी हो जाएगा सुनने को. एक हॉर्मोन निकलता है इंसुलिन. वो इंसुलिन बेटा पैंक्रियाज का डिऑक्सीनेटेड ब्लड भी लिवर में जाता है. तो सोचो पैंक्रियाज से अगर कोई हार्मोन निकलेगा तो वो पैंक्रियाज के डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगा. इट विल गो इनटू द डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ पैंक्रियाज, राइट, क्योंकि वो तुम्हें पता है एंडोक्राइन एक्टिविटी से रिलीज होता है. नाउ दिस ब्लड विल आल्सो गो टू लिवर. फर्स्ट लिवर विल गेट इंसुलिन. पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, लिवर को मिल गया. इंसुलिन एक बूढ़े बंदे की तरह है, ठीक है, और ग्लूकोज एक लड़की की तरह है. ठीक है, अब तुमने देखा होगा अगर तुम लोग गांव से हो तो बूढ़े बंदों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़कियां ऐसे ही घूमती रहें गलियों में, होगा कहते हैं चलो घर में जाओ. होता है ना, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं. सो इंसुलिन इज लाइक, आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू मेक एन ओल्ड मैन, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट. आई डोंट नो ये क्या बन गया, बट आई वॉन्ट टू मेक इंसुलिन. इंसुलिन विच इज रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज डज नॉट लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज लाइक अ, ग्लूकोज एक सुंदर सी लड़की है. सो इंसुलिन डज नॉट लाइक ग्लूकोज इन ब्लड. जरूरत से ज्यादा जब ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन को बहुत बुरा लगता है. तो इंसुलिन यहां से रिलीज होके लिवर सेल्स को यह कमांड देता है कि इस ग्लूकोज को पकड़ो और इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ग्लूकोज गलियों में घूमे. गलियां मतलब ब्लड वेसल्स में घूमे, गलियां मतलब ब्लड वेसल्स में. सो इंसुलिन, दिस ओल्ड मैन गिव्स कमांड टू हिपेटोसाइट्स, ओके, टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज, टू टेक दिस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. अगर तुम्हें लोब्यूल्स में याद हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना सेल्स के, सॉरी ये वाला ब्लड जाता है ना सेल्स के पास. ठीक है, सो नाउ दिस ग्लूकोज विल बी टेकन अप एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोजन एंड विल बी स्टोर्ड इन द हिपैटिक सेल्स. पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही है. यू नो दैट ग्लूकोज इज यूज्ड इन योर सेल्स टू फॉर्म एटीपी. सो समटाइम्स आप व्रत रख लेते हो, यू डू फास्टिंग एंड ग्लूकोज लेवल्स बिकम लेस. नाउ व्हाट टू डू? नाउ
एनदर हॉर्मोन इज रिलीज्ड, ठीक है, जो कि इंसुलिन का बिल्कुल झगड़ा है, उसका लड़ाई हो रखी है उसकी बहुत तगड़ी, विच इज रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज ओनली. दैट हॉर्मोन इज कॉल्ड ग्लूकागॉन. सो देर इज अनदर हॉर्मोन. सो दिस विल हेल्प इन दिस. देर इज अनदर हॉर्मोन जो पैंक्रिया से ही निकलेगा, जिसका नाम है ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इस लड़की की मम्मी की तरह है, जो कहती है तुमने मेरी लड़की को घर में कैसे बंद किया, निकालो उसको भी बाहर निकालो. सो दिस ग्लूकागॉन इज लाइक, ये भी हम आंटी बना देते हैं. ग्लूकागॉन, जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हुआ है, ब्लड ग्लूकोज कम हुआ है, ग्लूकागॉन विल गो टू हिपेटोसाइट्स एंड विल से ओके नाउ यू शट दिस प्रोसेस एंड नाउ यू कन्वर्ट ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज. ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करो. ये ग्लूकागॉन कराता है. सो समझ रहे हो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक्चुअली में आपस में झगड़ा नहीं है बेटा. दे आर टू हॉर्मोन्स विच हैव एंटागनाइजिंग एक्शंस, उल्टे एक्शंस हैं, एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू रेगुलेट योर ब्लड ग्लूकोज. ओके, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है पैंक्रियास से. वो हिपेटोसाइट्स को कहता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ो और इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर दो. जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, मान लो आपने व्रत रख लिया, यू हैव फास्टिंग, देन पैंक्रियाज विल रिलीज ग्लूकागॉन. दैट ग्लूकागॉन विल गो टू लिवर सेल्स एंड टेल द लिवर सेल्स, नाउ सी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, काइंडली ब्रेक द ग्लाइकोजन इन टू ग्लूकोज सो दैट ग्लूकोज कैन अगेन बी इन द ब्लड, आपके सेल्स को ग्लूकोज मिल सके. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. डन, अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आगे आ जाओ. ये तो बेसिक सी टर्म्स है बेटा, अभी कुछ और टर्म्स भी हैं. यू वांट टू क्लिक इट, जस्ट क्लिक इट सो दैट आई कैन मूव फर्दर. सो नोट्स का बेटा, आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का नोट्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को बेटा स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे एंड आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा इसको. प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है, लिखने से चीज़ें याद होती हैं. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस, फिर आगे चलते हैं. डन, चलो आगे बात करते हैं. नाउ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही और फंक्शंस हैं. ये तो बेसिक फंक्शन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन वाला. दूसरी बात, समटाइम्स आपका ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है. मान लो आप तो को मैं तो अनशन करूंगा जब तक कि नीट का पेपर खत्म करो, मुझे तो ऐसे एडमिशन दो. बट लोग करते हैं ना ऐसे अनशन करते हैं, सही रीजंस पे भी करते हैं. तो मान लो आप खाना खा ही नहीं रहे हो, नाउ ऑल द ग्लाइकोजन दैट वाज इन योर लिवर वो चला गया, जितना ग्लाइकोजन था वो सब टूट के ग्लूकोज बन गया और वो ग्लूकोज भी यूज अप हो गया. ऐसी कंडीशन में आपके लिवर सेल्स बहुत ही चमत्कारी होते हैं. ये आपका लिवर सेल है. लिवर सेल का क्या नाम है? हिपेटोसाइट. बहुत ही चमत्कारी होते हैं. कभी कभी वो ऐसी चीजों से ग्लूकोज बना पाते हैं जो कि ग्लाइकोजन है ही नहीं. ग्लाइकोजन तो चलो ग्लूकोज से बना, वो तो इजीली बन गया. समटाइम्स दे टेक एन अमाइनो एसिड. यू रिमेंबर अमाइनो एसिड? आई होप यू रिमेंबर. अमाइनो एसिड्स वो हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं. सो दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ सपोज दे विल टेक एन अमाइनो एसिड. अब मैं तुम्हें अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, इसको अपने दिल जिगन जान में बिठा के रख लो, आगे बहुत काम आएगा. बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. चलो देखो बेटा, अमाइनो एसिड में बीच में एक कार्बन होता है, कार्बन के साथ में एक COOH ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको. इसी कार्बन पे एक NH2 ग्रुप लगा होता है, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? अमाइनो ग्रुप. इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एक इसके ऊपर H लगा होता है. याद रखो, एक ही कार्बन पे ये दोनों ग्रुप्स लगे होने चाहिए, COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, ठीक है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. अब ये चौथा ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इसको मैं R लिख रही हूं,
दिस आर कैन बी सी एच थ्री, दिस आर कैन बी सी एच टू सी एच थ्री, दिस आर कैन बी सी एच टू ओ एच, डिपेंड करता है अमाइनो एसिड कौन सा है. आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, सिर्फ ये आर अलग होने से हमें पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है, ये वाला ग्रुप सेम होता है. तो मान लो अमाइनो एसिड से मुझे ग्लूकोज बनाना है, ओके. सो हिपेटोसाइट ये अमाइनो एसिड को पकड़ेंगे, अपने अंदर ले आएंगे. आ गया ये NH2, अभी बोलो क्या C, अभी बोलो COH, अभी बोलो H एंड R. दे टेक अप दिस अमाइनो एसिड. अब इसका असली रूप सामने आएगा हेपेटोसाइट का, अब निकलेगा छुरा. दे विल कट दिस पार्ट, दे विल कट दिस पार्ट, अमाइनो ग्रुप निकल गया. इसको बोलते हैं डीएमिनेशन. देखो बेटा, वेर एवर आई से डी इट मीन्स टू रिमूव, ओके. सो डीएमिनेशन मतलब अमाइन ग्रुप हट गया. दिस ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. पूरा लिख देते हूं, ग्लूकोज बाय हिपेटोसाइट. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन केस ऑफ इमरजेंसी बाय योर लिवर सेल. इट्स लाइक अ मैजिशियन दिस प्रोसेस. नाउ अच्छा, मैं पहले वाले प्रोसेस का नाम बोलना भूल गई, आई एम सो सॉरी. एक बार लिख लो बेटा, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बोलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइको मतलब क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब बनना. ग्लाइको क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है, और जेनेसिस मतलब बन रहा है. जहां पे भी जेनेसिस वर्ड आ गया ना बेटा जी, जेनेसिस वर्ड आ गया ना, दैट मीन्स यू आर फॉर्मिंग समथिंग, ओके. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बन रहा है. जब ग्लाइकोजन से टूट के बनता है, अच्छा अभी आंसर करो, तो अभी बताया था ग्लाइकोजेनेसिस किसके इन्फ्लुएंस में बनता है, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बनता है, जिसे ग्लूकोज पसंद नहीं है वो कहता चलो गलियों से भागो, और हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन भरा देता है, बूढ़ा बंदा, इंसुलिन, है ना. ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज किस में बनाता है, ग्लूकोज की मम्मी आ जाती है, कहती लाओ ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकागॉन के वजह से बनता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइको, भूल गई थी मैं, एक्चुअली दो टर्म्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसमें मैं भूल गई थी. तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस. जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक अलग चीज है, वो फिर कभी पढ़ेंगे, अभी वो दूसरे चैप्टर में आएगा, ठीक है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, वो क्लियर सी बात है. इस प्रोसेस को जहां नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है, अब देखो एक नई चीज से ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो चलो सब बना ही लेते हैं, बट इट्स अ न्यू थिंग, अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज फॉर्मिंग ग्लूकोज, तो कुछ नया हो रहा है. तो ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नया, ऐसे याद करने के लिए है, ग्लूको नियो जेनेसिस. ऐसा भी होता है जब आपकी बॉडी के पास ग्लूकोज की कमी होती है. तो पहला फंक्शन समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है. अब साथ में लगे हाथ यहां पे एक और फंक्शन तुम पढ़ लो, दिस NH2 ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया ना. चलो अभी सुनो, इस NH2 ग्रुप का एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ तुम्हें.
दिस NH2 ग्रुप किससे रिजेंबल करता है? अगर ये इसमें एक और एच डाल दूं तो मैं ये क्या बनेगा? NH3 बन जाएगा. NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है. तो मतलब कि तुम्हारे लिवर सेल्स में अमोनिया बन रहा है. अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट. इट्स अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट. यू कैन नॉट कीप अमोनिया इन योर बॉडी. अब ये अमोनिया बाहर फेंकना पड़ेगा. अब अमोनिया फेंकने के लिए क्या है, ये इतना टॉक्सिक है कि इसको बहुत सारे पानी में घोल के बाहर फेंकना पड़ता है. यूरिनेशन का नाम सुना है तुमने, सूसू जाना, वो बेसिकली इस अमोनिया को बाहर फेंकने का तरीका है. लेकिन अमोनिया के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रो अमोनिया, तुम्हें बहुत सारा पानी, दैट मीन्स यू हैव टू पी अ लॉट टू रिमूव अमोनिया. सो योर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो कहती है मैं अमोनिया फेंकूंगी नहीं. इट कन्वर्ट्स दिस अमोनिया इंटू यूरिया. यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है. तो अब ये यूरिया बना देता है हिपेटोसाइट अमोनिया से. अब ये यूरिया जो है, तुम्हें पता है, यहाँ से बाहर, हिपेटोसाइट से बाहर निकल जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड में चला जाएगा. यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ब्लड में चला गया, अल्टीमेटली घूम घुमा के ये हार्ट में जाएगा ब्लड, है ना. फिर हार्ट से तुम्हें पता है सारी बॉडी में जाता है, तो किडनी में भी जाएगा यही ब्लड. समझ में आ रहा है ना, वही ब्लड है ना जो घूम घूम के हर जगह जाता है. सो अब जब ये किडनी में जाएगा, तो किडनी कहिए आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था, आओ कभी हवेली पे. तो ये इस ग्लू, सॉरी, इसको यूरिया को, अब ये बेचारा बहुत ही परेशान है क्योंकि इसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा. किडनी कहती है आओ बेटा, तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं. यूरिया को पकड़ेगी, ब्लड में से पानी को निकालेगी, मिक्स करेगी, वो भी मजीशियन है, यूरिन बनाएगी, सूसू बनाएगी, एंड इट विल रिमूव इट आउट ऑफ द बॉडी. तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा इसी बात पे बेस्ड है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है कि उस यूरिया को, ये जो यूरिया लिवर में बना था, उसको किडनी कैसे ब्लड में से निकालती है, पानी को निकालती है, हाउ इट मिक्सेस एंड फॉर्म यूरिन एंड देन थ्रोज इट आउट इन द, समझ रहे हो तुम कैसे, समझ रहे हो ना. पर ये यूरिया बनता हिपेटोसाइट में, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन किडनी. अब ये बनता भी इतनी आसानी से नहीं है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस चलता है बहुत लंबा. अमोनिया आ गया, यहाँ पे एक पूरा साइकिल चलता है, तब जाके यूरिया बन पाता है. इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल. बहुत खचपच मच गई यहाँ पे, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोऑपरेट करो, कोई बात नहीं, कोऑपरेशन का फल मीठा होता है. पहली बात की थी मैंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, हिपेटोसाइट में क्या क्या होता है. मतलब तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा लिवर क्या करता है. हमारे यहाँ पे वो बनती है माता की फ़ोटो बनती है, ऐसे कई हाथ में, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाथ होते हैं माता के, कुछ 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 करती रहती है. वैसे होता है लिवर का सेल. इट डज़ सो मैनी फंक्शंस. मुझे लगता है आज की क्लास में हम लिवर का फंक्शन ही कर पाएंगे, ठीक है. दूसरा फंक्शन, यूरिया साइकिल से यूरिया बना गया. दो फंक्शन पूरे हो गए, तीसरे फंक्शन पे आ जाओ. बाइल फॉर्मेशन. अच्छा, पहले मेटाबॉलिज्म वाले सारे कर लेते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तुमने पहला कर लिया था, पहले मेटाबॉलिज्म वाले कर लेते हैं. कब मेटाबॉलिज्म तुमने कर लिया था? देन सेकंड यूरिया साइकिल तुमने कर लिया था. अच्छा एक बात बताओ, जब प्रोटीन टूट रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है. मेटाबॉलिज्म इज कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. और सारे केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उनको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो जब मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहती हूँ, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का बनना या कार्बोहाइड्रेट का टूटना. अगर मैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहती हूँ, तो प्रोटीन का बनना या प्रोटीन का टूटना. सो नाउ मैं यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी लिख दूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन अ पार्ट ऑफ प्रोटीन. अभी अमाइनो एसिड लेके तोड़ा था ना, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का ही तो पार्ट है ना, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है तुम्हारा लिवर. चौथा पार्ट,
अभी अभी किया ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड तोड़ा है ना, सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो डन. देन लिपिड मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो डन बाय लिवर. वैसे तो आपका मेजॉरिटी जो लिपिड है वो एक स्पेशल टाइप के सेल में स्टोर होता है, एडिपोसाइट कहते हैं उसको. एडिपो मतलब एडिपोज से आया, एडिपोज मतलब फैट, साइट मतलब सेल. तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये नहीं कि मेरे पास 10 एडिपोज है, तेरे पास तो 100 एडिपोज है तभी तो इतना मोटा है. नो, एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज डिपॉजिटेड इन एडिपोसाइट्स इज मोर देयर. उनका फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल्स ज़्यादा नहीं होते हैं. सो लिपिड मेटाबॉलिज्म में मैं क्या बताना चाह रही थी, हाँ याद आया, वैसे तो एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है पर लिवर में भी स्टोर होता है कुछ कुछ फैट्स. लिवर स्टोर्स सम ट्राइग्लिसराइड्स. अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, आप तो बहुत ही एक्स्ट्रा करा रही हो. बेटा देखो मेरी बात सुनो, बायो में देखो जो एनसीईआरटी से चीज़ें आती हैं वो तो आती हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से आते हैं. आपको आपने एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं पढ़े बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ जाता है ना. तो अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया लगता रहेगा ना आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप कोई क्वेश्चन मिस करोगे नीट में या एम्स में. सो यू शुड नो वेरी थॉरली आपकी बॉडी में कैसे कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, लिवर का स्पेशली करा रही हूँ मैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू, ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू. आई होप आई एम क्लियर, राइट? सो लिवर स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड्स, और इन ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट का ही दूसरा फैंसी नाम है, इस ट्राइग्लिसराइड को भी वो समय आने पे तोड़ के ग्लूकोज बना सकता है. ट्राइग्लिसराइड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है. मान लो आपने खाना नहीं खाया तो आपने तो कहा मैं तो व्रत रख लूँगी, मुझे तो मिस इंडिया बना दो नहीं तो मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी, ऐसे कुछ भी. सो लिपिड को स्टोर भी करता है और लिपिड का ब्रेकडाउन भी करता है. इस प्रोसेस के लिए मैंने अभी अभी नाम बताया था, ट्राइग्लिसराइड, एनीथिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट मेकिंग ग्लूकोज, व्हाट इज इट कॉल्ड, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये वाली बात हो गई. अगली बात, चौथी बात, ये हो गई, हो गई. हाँ, तुम्हें पता है विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं जो तुम खाना खाते हो. देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यहां लिख देती हूं. बाइल पे एंड में चलेंगे, पहले चुटर पुटर निपटा लेते फिर बाइल पे चलेंगे. देर आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, पानी में इजिली सॉल्यूबल होते हैं, एंड देर आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स. देर आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, देर आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स. फैट सॉल्यूबल जितने भी, अच्छा इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है. विटामिन्स कैसे होते हैं, ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके होते हैं. तो बी सी इधर निकाल लो, बाकी सब इधर डाल दो. ए बी सी इधर आ गया, डी ई के. तो तुम्हें याद बेसिकली बी सी करना है, याद बेसिकली बीसी करना है, एडी के तो अपने आप हो जाएगा. अब बीसी तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम बीसी वैसे याद कर लो. ठीक है, बीसी तुम बिफोर क्राइस्ट से भी याद कर सकते हो. जो शरीफ बच्चे हैं, जो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, वो बीसी अपनी मर्जी से भी कॉमन भाषा में जो यूज़ करते हो तुम लोग उससे याद कर सकते हो. ठीक है, सो बीसी को अलग कर दो, एडी के को इधर कर दो. लिवर एडीई के को स्टोर करता है. देखो वो लिपिड को स्टोर कर सकता है तो लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स को भी स्टोर कर सकता है, कर सकता है. तो मैं लिख दूं, स्टोर्स लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स. पांचवा फंक्शन, छठा फंक्शन, ये बात समझ में आई है? बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, अब तो आई जाएगी, है ना? नहीं आ रही तो थोड़ा रिपीट करके देखना वीडियो बाद में. अगला फंक्शन, देखो तुमने कभी ये सुना है दारू मत पियो लीवर खराब हो जाएगा, बोलते हैं.
ठीक है, अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी थी उसमें वो लीवर सड़ जाता है उसका दारू पी पी के, है ना। सो एक्चुअली में द ड्रग्स दैट यू टेक, ड्रग्स का मतलब वो ही नहीं, वो गांजा हशीश वाली ड्रग नहीं, मेडिसन्स को भी ड्रग कहते हैं मेरे प्यारे बिगड़े हुए बच्चों, जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या आपने पेनिसिलिन ली या कोई और ड्रग लिया, सो दोज ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, उनको मेटाबोलाइज करके लिवर उनको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। सो लिख लो एक बार, मैं मतलब समझा रही हूँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, एक मिनट बेटा, फिर से वाटर ब्रेक, तुम लोग ये लिखो तब तक मैं पानी पीती हूँ। सुनो, जो ये अल्कोहल और ड्रग्स हैं ये हिपैटोसाइट्स में जाती हैं और हिपैटोसाइट्स इनको फॉर्म चेंज करके इनको बॉडी से बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनके लिवर सेल्स डैमेज होने लगते हैं क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना काम तुम्हें उन्हें करने के लिए दे रहे हो। सो वो सेल्स बेचारे पहले तो ऐसे डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, उसके बाद डैमेज होके मरने लगते हैं, कतई डैमेज हो जाते हैं लिवर, तो एक खतरनाक बीमारी होती है उन लोगों को जिसे कहते हैं लिवर सिरहोसिस। एक बार बहुत पहले जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो वो तब ये क्वेश्चन आया था, तब पीएमटी बोलते थे इस एग्जाम को, नीट वाले एग्जाम को, कि अल्कोहल कॉजेज विच डिजीज, और अभी भी एनसीईआरटी में टर्म है तो जरा याद कर लो, सिर हो हो सिस, ठीक है, लिवर सिरहोसिस होता है जब आप अल्कोहल ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करो, बिकॉज योर लिवर सेल्स गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कोहल। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स यहाँ पे होता है। कितने हो गए, 6 हो गए, और कौन सा रह गया, बाइल रह गया मेनली, अच्छा एक और लिख लो, एक और लिख लो। देखो वाइटामिन डी का एक्टिव फॉर्म बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। विटामिन डी समझते हो तुम, तुम्हारी बोन्स वगैरह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी, चलो अब ये भी स्टोरी सुनी लो। विटामिन डी मान लो तुमने दूध पिया, तुमने कोई भी कैल्शियम वाली चीज़ खाई, तुम्हारी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी ब्लड में जब तक विटामिन डी वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। सो तभी कहते हैं ना विटामिन डी से हड्डियाँ स्ट्रांग बनती हैं। हड्डियाँ क्यों स्ट्रांग बनती हैं, एक्चुअली विटामिन डी से नहीं बनती हैं, वो कैल्शियम से बनती है, लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पे तुम्हारे गट में हो जाए इसके लिए तुम्हें विटामिन डी चाहिए। फंक्शन समझ में आ गया विटामिन डी का, उसका एक्टिव फॉर्म बनाता है लिवर। एक्टिव फॉर्म मतलब जो काम करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में तो काम नहीं कर पाएगा ना, और भी बनाते हैं, किडनीज भी बनाता है, ठीक है, लेकिन लिवर भी बनाता है। सो इट फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी की स्टोरी भी याद रखना, आगे काम आएगी कि विटामिन डी का फंक्शन क्या है। ये 7 फंक्शन है, ये समझ में आ गए। आगे हम जा सकते हैं बाइल बनाने पे, क्योंकि बाइल बनाना इसका बहुत बड़ा मेजर फंक्शन है और डाइजेशन का पार्ट एक्चुअली वही है। चलो मिटा दिया जाए, साइड में हट जाओ। मैं एक बार एक लड़की कह रही थी, मैम आप प्लीज साइड में हट जाओ, कुछ देखने नहीं देती हो आप, तो तब से मैं थोड़ा कॉशियस हो गई हूँ। ओके, दैट बीइंग डन, आओ बाइल फॉर्मेशन देखते हैं। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा साइनोसॉइड का स्ट्रक्चर याद है, याद है कुछ, सॉरी उसका हेपेटिक लोब्यूल का, यहाँ पे साइनोसॉइड होती हैं ऐसे, याद है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहां पे बीच में सेल्स होते हैं, यहां पे सेल्स होते हैं,
यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया स्ट्रक्चर, मैं बना नहीं पा रही हूँ। बट अगर तुम्हें याद हो, यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड से एक्सेस ग्लूकोज ये ले लेते हैं, तभी तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस इस ब्लड से ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, है ना। और मैंने कहा था यहाँ बीच में बाइल सिक्रीट करते हैं बच्चों, याद है, यहाँ पे बाइल सिक्रीट करते हैं, और फिर ये बाइल जो है यहाँ पे ऐसे डक्ट्स बन जाती है, यहाँ पे एक बाइल डक्ट बन जाती है, उसमें कलेक्ट हो जाता है, फिर सारी बाइल डक्ट मिलके हिपैटिक डक्ट बनाती है, अगर तुम्हें याद हो। अब मुझे ये बताओ कि ये बाइल एक्सोक्राइन सिक्रीशन है या एंडोक्राइन सिक्रीशन है। अपना दिमाग दौड़ाओ प्यारे इंटेलिजेंट होनहार बच्चों, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है या ये एंडोक्राइन सिक्रीशन है। अगर आंसर नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं, सुनो। क्या ये ब्लड में जा रहा है बाइल? नो। क्या ये ब्लड में जा रहा है? नहीं। ये अलग से निकल के एक डक्ट में जा रहा है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, जो कि आगे जाके हिपैटिक डक्ट बनाएगी। बाइल इज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जो भी चीज ब्लड में नहीं मिल रही है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। तुम्हारी बॉडी में ज़्यादातर चीज़ें एक्सोक्राइन तरीके से ही सिक्रीट होती हैं, एंडोक्राइन से बहुत कम होती हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स होती हैं एंडोक्राइन से, याद है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात की थी। सो बाइल इज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, अब बाइल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एक तो वाटर है, और बताओ बाइल सॉल्ट्स हैं। इसमें अगर बाइल में कोई मेजर फंक्शन करना है, ये बाइल सॉल्ट्स ही हैं, यही हैं बेचारे मेहनती। ठीक है, फिर बाइल पिगमेंट्स हैं। क्या रह गया, क्या रह गया, कोलेस्ट्रॉल है। फिर फॉस्फोलिपिड्स है। जैसे कि लेसिथिन, लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल। एक मिनट बच्चों, गर्मी लग रही है, चलो अब सुनते हैं। वाटर तो चलो ठीक है, बाइल को लिक्विड बनाना है तो डाल दिया। पहले बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स की कहानी सुन लो। बाइल में याद रखना, देर आर नो एंजाइम्स। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा बेटा कि बाइल का एंजाइमेटिक एक्शन बताओ। बाइल हैज नो एंजाइम्स, कोई एंजाइमेटिक एक्शन नहीं है। ठीक है, बाइल फैट का फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। अब बात ध्यान से सुनो, फिजिकल ब्रेकडाउन है मतलब कि ये चेन है, मान लो किसी भी चीज की, ग्लूकोज की चेन है, स्टार्च है, उसको मैं ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड तोड़ देती हूँ तो ग्लूकोज ग्लूकोज अलग हो गया, ये केमिकल ब्रेकडाउन है, है ना। अब मैं इस कपड़े को कैंची से काट देती हूँ तो क्या ये इसका केमिकल ब्रेकडाउन है? बिल्कुल भी नहीं है, कपड़ा तो कपड़ा ही रहा है ना, ये इसका फिजिकल ब्रेकडाउन है अगर मैं इसको काट दूं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन में फर्क है। जो केमिकल ब्रेकडाउन करेगा वही एंजाइम है बेटा। यहां पे कोई भी केमिकल ब्रेकडाउन फूड का नहीं कर रहा है, यहां पे बाइल सॉल्ट्स जो है फिजिकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं फैट का। वो भी क्यों कर रहे हैं मैं तुम्हें बता रही हूं। फिजिकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं फैट का, मतलब फैट का एक बहुत बड़ा सा मोटा सा टुकड़ा है, उसको जैसे रबड़ के टुकड़े कर दूं ना, मैं इरेजर लूं उसके टुकड़े कर दूं चाकू से, वैसे ही इसके टुकड़े हो जाते हैं। और फिर बाइल सॉल्ट्स इन टुकड़ों को जुड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं, समझ में आया, मैंने फैट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया है। देखो अब क्यों तोड़ रहे हैं, पहले बात सुन लो फिर बताती हूँ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं।
इस पे अल्टीमेटली एक एंजाइम एक्ट करता है, याद करो लिपिड को तोड़ने का कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने का प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का न्यूक्लिएज, वैसे ही लिपिड को तोड़ने का लाइपेज। लाइपेज जब, अभी देखो इसमें तो लाइपेज है नहीं अल्टीमेटली, पर तुम्हें ये पता है बाइल कहाँ जा रहा है, बाइल कहाँ जा रहा है, हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट जुड़ गई, याद करो, ए याद करो, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल्ड, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ गई, फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, याद आया? सो बाइल बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियाज का जूस भी जा रहा है ना। पैंक्रियाज के जूस में एक सिक्रीशन होती है जिसे लाइपेज कहते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो वहां पे पैंक्रियाटिक लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज इतने ही सरफेस एरिया पे एक्ट कर सकता है, इंजाइम को एक्ट करने के लिए जितना सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही वो बेटर एक्ट कर पाएगा। सो व्हेन यू ब्रेक डाउन समथिंग बिग इनटू स्मॉलर पीसेस, देयर कंबाइंड सरफेस एरिया इज लार्जर देन इसका सरफेस एरिया। आई होप तुम समझ रहे हो। जब भी इतिहास गवा रहा है बच्चों दुनिया में, किसी भी बड़ी चीज के छोटे टुकड़े कर दोगे तो छोटे टुकड़ों का जो सरफेस एरिया होता है कंबाइन मिला के, वो बड़े टुकड़े से बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के पास, एंजाइम के पास एक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। सो बेसिकली इनके दो काम हैं, एक तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट करता है सो दैट लाइपेज कैन एक्ट वेरी इजिली, देन ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। ये बहुत गंदा पेन है, मैं कलर है, मैं लाइपेज एक्टिवेशन लिख रही हूँ जिन बच्चों को नहीं दिख रहा, लाओ वीडियो में देखूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। लाइपेज की एक्टिवेशन करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कोई नहीं है इसकी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपली ब्रेकिंग डाउन, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स का ये फंक्शन है। और आगे जाके एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा जब इनकी सब कुछ डाइजेशन हो चुकी होगी, फिर एब्जॉर्प्शन में इसका फंक्शन आएगा, वो अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया हो गया, बाइल सॉल्ट्स अच्छे होते हैं, बेचारे काम काजी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट्स होता होता है, बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर्ड मटेरियल होते हैं, है ना। बाइल पिगमेंट्स का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, दे आर एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर वेस्ट ऑफ बॉडी। अब बाइल पिगमेंट कैसे बनते हैं ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाइल पिगमेंट मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बन जाएगा, अभी ये वाली नीचे वाली बात सुन लो। कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तुम बाइल में बेसिकली लिवर कोलेस्ट्रॉल को इसलिए डाल रहा है, तुम्हारे पास ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रखा है, फेंकना चाहता है लिवर तुम्हारी बॉडी से, तो लिवर ने एक ईजी तरीका ढूंढा है कि लाओ भैया मैं बाइल बना दूँ, ये बाइल अल्टीमेटली कहाँ जाएगा तुम्हें पता ही है, अब पता चल रहा है ना मैं क्या बना रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली तुम्हें पता ही है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल के अल्टीमेटली तो बॉडी से बाहर ही निकलेगा, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, तो लिवर चलाकी करता है, वो कहता है लाओ मैं तुम्हें बाइल दे दूँ, तुम्हारी इमल्सिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन फिर लिवर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में डाल देता है कि लाओ चलो तुम जा ही रहे हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जरा वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देना, ताकि यू अंडरस्टैंड फीकल मैटर के साथ ये बॉडी से बाहर निकल जाए, फिर ताकि चलो मेरा काम आसान हो जाए। सो बाइल हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इट्स एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑल्सो, देर आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर फेंक रहा है, बाइल पिगमेंट को भी बाहर फेंक रहा है, फेंकने के लिए डाले जाते हैं उसमें, ठीक है। लेसेथिन का फॉस्फोलिपिड का काम सिर्फ इतना है कि कोलेस्ट्रॉल, अब तुम्हें पता है बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, सो तो नहीं गए हो, चलो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नीचे जम ना जाए, इसकी गोलियां ना बन जाए, ये प्रॉपर लिक्विड स्टेट में रहे, इसके लिए लेसेथिन होता है। तो अगर लेसेथिन मान लो कम हो गया बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो यहां पे कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, इसको क्या बोलते हैं,
गॉल ब्लैडर में स्टोन सुने हैं? गॉल स्टोन्स लिखना चाहती हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ, काट रही हूँ इसको, गॉल स्टोन्स। सो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, लेसिथिन कम हो जाए, तो गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। बात खत्म हो गई। वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। अब जरा स्टोरी सुन लो बाइल पिगमेंट की, कैसे बनता है। इंपॉर्टेंट है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, बाइल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्प्लीन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आंसर स्प्लीन होगा। तो स्प्लीन का बहुत ज़्यादा रिलेशन है बाइल पिगमेंट से, ठीक है, इसीलिए बाइल पिगमेंट की स्टोरी सुना रही हूँ। चलो, हाँ बेटा, एक घंटा हो गया अपने को, मेरे को पता ही नहीं चला पढ़ाते हुए। चलो बाइल पिगमेंट की स्टोरी करते हैं पूरी, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। मतलब आज हम पैंक्रियाज नहीं कर पाए, सिर्फ लिवर कर पाए हैं, लेकिन अच्छी तरीके से लिवर कर पाए। चलो एक बार शुरू करते हैं। लास्ट बात, बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं, उसके बाद खत्म कहानी, अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें कहा था, फिर से क्या करूं, बार बार एक ही बात पे जाना पड़ रहा है। लिवर के पास अपना ब्लड आता है, याद है, आर्टीरियल ब्लड आता है, देन यही आर्टीरियल ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यही आर्टीरियल ब्लड पैंक्रियाज में जाता है, अल्टीमेटली इनका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होके यहाँ पे जाता है, यहाँ से पैंक्रियाज से भी यहीं जाता है, बताया था ना। एक्चुअली में एक और ऑर्गन से भी डायरेक्टली लिवर में ही जाता है। यहाँ पे एक ऑर्गन बना लेते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गन बना लेते हैं, कोई ऐसे बना रही हूँ, ऐसी शेप का नहीं होता है, बट ऐसे बना रही हूँ। इसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी यहां पे जाता है। स्प्लीन का ब्लड भी लिवर में जाता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। स्प्लीन में क्या होता है बेटा, मान लो ये स्प्लीन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहां से, फिर तुम्हें पता है यहां पे जाके डीऑक्सीनेट हो जाएगा वो ब्लड। आरबीसी का नाम सुना है, ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है आरबीसी, उसके हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है। हम कहते हैं ना आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, ऐसा क्यों, क्या आरबीसी 120 डेज के बाद क्या कहते हैं, अब तो मरने का समय आ गया, चलो मर जाएं, ऐसा तो नहीं होता होगा, कुछ होता होगा ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आरबीसी तुम्हारी कैपिलरीज में से निकल रहा होता है ना जनरली, तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती रहती है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ठीक है। सो आरबीसी की मेम्ब्रेन टूटती रहती है, डैमेज होती रहती है। अराउंड 120 डेज में वो इतनी डैमेज हो जाती है कि जब वो लिवर इसकी सॉरी स्प्लीन की कैपिलरीज में से निकलती है ना, स्प्लीन में कैपिलरीज और भी ज़्यादा पतली होती हैं नॉर्मल कैपिलरीज से भी ज़्यादा, तो जब आरबीसी इनमें से निकलने की कोशिश करता है, और अगर वो बूढ़ा हो चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स 120 डेज, इट विल बस्ट, इट विल डाई। दैट इज वाई स्प्लीन is called the graveyard of RBC because RBC is dying here after completing 120 days. Understood? अब इसका इस बात से क्या रिलेशन है, लिवर से क्या लेना देना है, बाइल से क्या लेना देना है। RBC जब टूटेगा तो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का तुम्हें पता है क्या होता है, प्रोटीन में से अमाइनो एसिड टूट जाते हैं, ये प्रोटीन यहां पे हीम और ग्लोबिन टूट गए स्प्लीन के अंदर, है ना, स्प्लीन के अंदर ही हुआ है, तो यहां पे ये प्रोटीन जाएगा लिवर के अंदर। तुम्हें याद है अभी प्रोटीन का क्या हुआ था, अमाइनो एसिड टूट गए थे, अमाइनो एसिड को हिपेटोसाइट ने ले लिया था, डीएमिनेशन हो गई थी, वहां से ग्लूकोज बन सकता है, बात हो गई थी ना, ठीक है। हीम, जो हीम बचा है, हीम वाला जो पार्ट है बेटा, वो ब्रेक डाउन होके, हीम का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। एक मिनट बेटा, हीम का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन टूटता है उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन लिवर में जाता है और लिवर उसको पकड़ के हेपेटोसाइट पकड़ के बाइल में फेंक देता है। यहाँ से जो ग्लोबिन जाता है उसके अमाइनो एसिड तोड़ के उससे ग्लूकोज बना लेता है। सो बिली ये जो क्या कहते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो बाइल पिगमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट्स और इन्हीं की वजह से जो स्टूल है फीसिस है उनका कलर जो भी कलर है वो उन्हीं की वजह से आता है। ओके बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने सिर्फ आज की क्लास में लिवर के फंक्शंस किए। आई होप यू गेट इट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच।